साल 2022 28 अप्रैल। ये डेट बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है भाई भाई, क्योंकि इस डेट को टाटा एक नया बलवान इंडिया में ला रहा है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस नए बलवान में हमें कुछ बल मिलता है कि ये ऐसे ही फोकट का है। वैसे हम फोकट तो नहीं कह सकते इसको, टाटा की जो नई वाली नहीं आई है कूपे, इसको देखिए। एंड हैरियर, एल्ट्रॉस, पंच, ये सब गाड़ी काफी कूल सी लगती है, तो ये गाड़ी भी कूल सी होगी ही। एंड हाँ, अब कुछ भाई बोलेंगे अरे भाई वही आएगी टाटा की कूपे वाली एसयूवी, ऐसा नहीं होने वाला है। कूपे तो नेक्स्ट ईयर ही आपको देखने को मिलेगी, इस साल कुछ और आएगी। देखिए भाई, टाटा ने दो नाम दिए थे जिसमें से एक स्लिक भी था। तो जनाब एक चीज पर आप लोग गौर फरमाइए, स्लिक सीरिया SS, कुछ समझ में आया? एंड मैं इस टॉपिक पे स्लिक सीरिया वाला वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यार अभी हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हुई नहीं है, तो बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो कि इस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे, तो भाई आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ। देखिए भाई साहब, एक चीज के लिए हम लोग तो श्योर हैं कि वो जो कूपे है वो तो नहीं आएगी अभी, वो तो हमें अराउंड नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी। इस साल सीरिया आ सकती है, एंड जब ये गाड़ी आएगी तो आप कहेंगे एंड मैं भी कहूंगा साथ में वाह क्या सीन है। तो भाई सीन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मतलब गाड़ी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो भाई मार्केट में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि बहुत सारी बंदे बताते हैं कि ये आएगी, वो आ सकती है, एंड टाटा अल्ट्रोस भी हो सकती है, हमें अभी नहीं पता है, एंड किसी को नहीं पता है कि ये क्या होगी। एंड अब आप पूछोगे वीडियो क्यों बना रहे हो, पता है हमेशा की तरह आप यही पूछोगे, लेकिन भाई मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो में कुछ दिमागदार बंदे जो कि मेरी तरह दिमागदार हैं वो कमेंट करें एंड थोड़ी अपनी राय दें, एंड हम सब मिलकर एक डिस्कशन कर पाए कि गाड़ी क्या हो सकती है। तो भाई अगर आपको भी इस कम्युनिटी में आना है तो दबा दीजिए लाल कलर का बटन, काफी सही है। एंड हाँ भाई, इसके सेगमेंट में जो भी गाड़ी आती होगी उससे तो भाई ये महंगी रहेगी, क्योंकि आजकल जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सब महंगी हो रही हैं, लेकिन एक चीज फ्री की भी है जो कि आपको फ्री में मिल जाती है, पता है क्या? नीचे लाल कलर का बटन जिसको आप दबा कर फ्री में मजे ले सकते हैं एंड इस चैनल का एक पार्ट बन सकते हैं। तो भाई पार्ट बन जाइए एंड पार्ट कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे नहीं पता आगे। एंड हाँ भाई, इतनी सारी गाड़ी को हमने बात कर ली है, एक और बची है, लेकिन यार अगर वो आएगी तो यार मुझे काफी दुख होगा, मतलब दुख नहीं, एक मतलब प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा, एंड मैं उसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं हूँ। टाटा नेक्सॉन का ईवी का जो है नहीं है फेसलिफ्ट, वो आने वाला है भाई, क्या मजा है, वो तो चली रही है, उसको फिर से उसकी बैटरी बढ़ाकर लॉन्च कर देंगे कुछ फीचर डाल के, क्या फायदा, कुछ नया लाओ, क्योंकि हमें नया माल बहुत पसंद है, मतलब नई गाड़ी हमें बहुत पसंद है। एंड आई होप आपको भी नई चीजें बहुत पसंद होगी, तो अगर नया नया देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नया मिलेगा कंटेंट। हाँ भाई, तो फिर एक वही नेक्सॉन ईवी आ सकती है जो कि 40 किलोवाट आवर के साथ आएगी, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक ये लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गाड़ी आए, क्योंकि ये आएगी ना तो फिर मजा नहीं मिलेगा, एंड बिना मजे के मजा भी नहीं आता। हाँ पर एक बात तो है कि लोगों की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी कि भाई रेंज नहीं मिलती, 312 क्लेम करते हो लेकिन आपकी गाड़ी 200 भी नहीं दे पाती, क्या कर रहे हो, कुछ तो करो। तो भाई टाटा कर देगी 28 तारीख को अगर करना होगा तो, लेकिन ना करे यार उसको, करे भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ना करे, लेकिन भाई नेक्स्ट मंथ करे या कभी और कर दे, आज ही कर दे ठीक है, कभी भी कर दे, लेकिन 28 तारीख को कुछ नया मिलना चाहिए, मुझे तो नया माल चाहिए, मतलब मुझे तो नई गाड़ी चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको नया पसंद है कि वही पुराना। एंड भाई जो मेरे प्रो लेवल वाले भाई हैं, दिमाग वाले, वो लोग प्लीज अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है, मुझे जो लगता है मैंने लगा दिया, मतलब मैंने बता दिया, तो फिर आप भी बता दीजिए, खुला हुआ है कमेंट सेक्शन आपके लिए। वेल गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।